आज हमने दाल चावल को बिना भिगोए सिर्फ 15 मिनट में इंस्टेंट क्रिस्पी डोसा बनाया है। ये बहुत ही झट से बन जाता है और एकदम क्रिस्पी बनता है। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं एकदम क्रिस्पी सूजी का डोसा। डोसा का बैटर बनाएंगे। एक कप मोटी वाली सूजी ली है, आप बारीक भी ले सकते हैं। इसे हम मिक्सर जार में डाल के फाइन पाउडर बना लेते हैं। सूजी का मैंने फाइन पाउडर बनाया है। ये एकदम ज़्यादा फाइन पाउडर तो नहीं बनेगा, थोड़ा सा मोटा रह जाएगा लेकिन चलेगा। ऐसा थोड़ा मोटा रहेगा तो इसे हम बाउल में ले लेते हैं। 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा, 1 कप सूजी ली है तो इसके सामने हमें 1 कप दही लेना है। अंदर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दही वाले कप में ही हमने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के बैटर तैयार करेंगे। एक कप पानी डाल के बैटर बनाया है, ढक्कन लगा के इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे। डोसा के लिए एक अलग तरीके से चटनी बनाएंगे, एकदम टेस्टी चटनी बनाएंगे। 1/3 कप नारियल की स्लाइस ली है, फ्रेश नारियल है। 2 टेबलस्पून भुनी हुई चना दाल, भुना चना जो मिलता है मार्केट में उसी की ये भुनी हुई चना दाल है। 2 हरी मिर्च, मैंने थोड़ी कम तीखी वाली मिर्ची ली है। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। 1/4 कप हरा धनिया। मैगी मसाला ये मैजिक, मैंने एक छोटा पैकेट लिया है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये 1 पैकेट पूरा डाल देंगे। थोड़ा पानी डालेंगे और इसे स्मूथ ग्राइंड कर लेते हैं। 1/3 कप और 1 टेबलस्पून पानी डाल के मैंने चटनी को ग्राइंड किया है। चटनी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से पतली या गाढ़ी कर सकते हैं। इसे चटपटी बनाने के लिए 1 टीस्पून नींबू का रस डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। चटनी के लिए एक तड़का तैयार करेंगे। 1 टीस्पून तेल गरम करेंगे, 1/2 टीस्पून राई। राई को थोड़ी फूटने देंगे, राई फूट रही है तभी एक सूखी मिर्च डालेंगे। गैस ऑफ कर देंगे। 3 से 4 करी पत्ता। इस तड़के को हम चटनी के ऊपर डाल देते हैं। मिक्स कर लेते हैं। एकदम टेस्टी चटनी भी तैयार है। बैटर को मैंने 15 मिनट रेस्ट दिया है और ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। थोड़ा पानी डालेंगे। बैटर हमें इतना गाढ़ा रखना है जितना नॉर्मल हम डोसे का बैटर रखते हैं, उसी तरह से गाढ़ा रखना है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं, वो अच्छे से फैट लेंगे। डोसे का बैटर भी रेडी है। बैटर में हमने बेकिंग सोडा डाला, इसके बाद आप तुरंत ही डोसा बनाइए, बैटर को रखना नहीं है। अगर आप थोड़ी देर रखेंगे और बाद में डोसा बनाएंगे तो डोसा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो जिस टाइम पे आपको डोसा बनाना है उसी टाइम पे आप बेकिंग सोडा डालें। नॉनस्टिक तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। इसके ऊपर थोड़ा तेल डाल के इसे ग्रीस कर लेते हैं। टिश्यू पेपर से इस तरह से इसे पोंछ लेंगे। ऊपर थोड़ा पानी छिड़केंगे। नैपकिन से पोंछ लेंगे। तवा एकदम ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तवा अगर एकदम गर्म होगा तो बैटर तवे के ऊपर ही चिपक जाएगा, और तवा ठंडा होगा तो बैटर अच्छे से आप फैला नहीं पाएंगे। गैस की फ्लेम एकदम धीमी कर लेना है, उसके बाद ही बैटर हमें तवे के ऊपर डालना है। अंदर की साइड से इस तरह से गोल गोल घुमा के डोसा बनाना है। डोसा ऊपर फैलाने के बाद गैस की फ्लेम हमें हाई कर देनी है और तेज आंच पे डोसा को हमें कुक करना है। ऊपर से थोड़ा ड्राई हो जाए उसके बाद हम तेल लगा लेंगे ऊपर। इस तरह से पूरे डोसे के ऊपर हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं। क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे कुक करेंगे। आप देख सकते हैं डोसा एकदम क्रिस्पी हो गया है और ये आसानी से निकल भी जाता है।
दूसरी बार तवे पे डोसा डालेंगे, तभी इसे पानी से थोड़ा ठंडा कर लेना है। नैपकिन से पोंछ लेना है। गैस की फ्लेम धीमी करके ही हम इसके ऊपर बैटर डालेंगे। आप देख सकते हैं डोसा कितना क्रिस्पी बना है। इस तरह से हम बाकी के डोसे भी बना लेते हैं। एकदम झट से बन जाए ऐसा क्रिस्पी सूजी का डोसा रेडी है। इसे मैंने मैसूर डोसा की स्पेशल भाजी के साथ में सर्व किया है। इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और हमने जो चटनी बनाई है स्पेशल चटनी, इसके साथ में सर्व किया है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तो मिलेंगे अगले और एक नए वीडियो के साथ।